गीता दी, तो गीता दी आज किशन दा भी समय से नहीं आए हैं। ये जल्दी आने का खरीदे खा के आज हम लगता है फंस गए। अब कार्यक्रम भी शुरू होने का समय हो गया है, किसान भाई बहन भी हमारे तरफ ही देख रहे हैं। जोहार जोहार करते हैं आप सभी किसान भाई बहनों का, और कृषि दर्शन के इस अंक में बहुत बहुत स्वागत भी करते हैं। तो जैसा कि आप लोग सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की, तो चलिए हम और आप सब मिलकर देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। नए फलबाग की स्थापना पर मिलेगा 40% अनुदान। नर्सरी निर्माण कैसे करें? मूंगफली के दानों को आसानी से छिलकों से अलग करता है ग्राउंड नट डिकोडिकेटर। राज्य के वैसे कृषक जो नए फलबाग की स्थापना करना चाहते हैं, वैसे किसानों के लिए झारखंड राज्य बागवानी मिशन की एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत बहुवर्षीय फलबाग और गैर वर्षीय फलबागों की स्थापना के लिए परियोजना लागत की अधिकतम 40% राशि अनुदान स्वरूप दिए जाने का प्रावधान है। किसान इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास अतिरिक्त भूमि है और वे उस भूमि का उपयोग करना चाहते हैं, तो उनके लिए फल बाग लगाना उत्तम होगा, क्योंकि झारखंड राज्य बागवानी मिशन नए फल बागों और गैर वर्षीय फल बागों की स्थापना के लिए अनुदान मुहैया करा रही है। इस योजना के तहत इन बागों की स्थापना की लागत का अधिकतम 40% राशि अनुदान स्वरूप दिया जाता है। बेहतर फसल उत्पादन के लिए स्वस्थ और उन्नत बीजड़े का होना बहुत जरूरी है, और बीजड़ा उत्पादन के लिए नर्सरी तैयार करना होता है। लगभग सभी किसान नर्सरी बनाकर बीजड़ा उपजाते हैं, परंतु नर्सरी तैयार करते समय अच्छे और बेहतर बीजड़ों की प्राप्ति के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। किसान भाइयों, नर्सरी तैयार करते समय विशेष रूप से जो 3 सावधानियां हैं वो रखनी है। पहली तो ये कि नर्सरी लगाने से पहले बीज का बीजोपचार करें। दूसरी बात ये, नर्सरी जहां पे भी नर्सरी बनाए वहां पे धूप आनी चाहिए और ज़मीन से ये ऊंची होनी चाहिए। और तीसरी और अहम बात ये है कि नर्सरी तैयार करते समय दिन में उसमें 2 बार पानी देनी चाहिए, विशेष रूप से शाम को। सब्जियों की खेती करने वाले किसान अभी से लेकर मार्च माह तक बोदी की फसल लगा सकते हैं। अच्छी उपज के लिए बोदी के उन्नत प्रभेद हैं बिरसा श्वेता, स्वर्ण श्वेता और स्वर्ण हरिता। ये किस्में लत्तीदार होती हैं और बेहतर उपज प्रदान करती हैं। बिरसा श्वेता, स्वर्ण श्वेता और स्वर्ण हरिता ये बोदी की लत्तीदार किस्में हैं। अच्छे जल निकासी वाली दोमट मिट्टी में इन्हें लगाना अच्छा होता है। इनकी 15 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर भूमि के लिए पर्याप्त होती है। इनकी सीधी बुआई करनी चाहिए, उसके बाद उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 100 से 150 क्विंटल बोदी प्राप्त किया जा सकता है। जिन किसान भाइयों ने अरहर की फसल लगा रखी है उनमें अब फूल आने लगे होंगे। ऐसी अवस्था में फसल पर फली छेदक कीट का प्रकोप लगने की संभावना रहती है। यदि आपके अरहर की फसल पर फली छेदक के प्रकोप के लक्षण दिखाई दें, तो उनके निदान के लिए क्या करें, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। देख रहे हैं कि जो है अरहर में जो है फूल आना शुरू हो गया है, और इसी दिशा में हम लोग देखते हैं कि जो है इसमें फली छेदक या फली भेदक जो है मक्खी बहुत प्रचुर मात्रा में इसका जो है अटैक होता है और हमें बहुत हानि पहुँचाता है। तो इससे निजात पाने के लिए किसान भाइयों को क्या करना चाहिए, इसके लिए जो है इंडोसल्फान या मोनोक्रोटोफॉस जो है 2 ml प्रति लीटर पानी में छिड़काव करना चाहिए। साथ ही साथ जो है मेड़ या उसमें जो है जितने खास खरपतवार हैं उसको जो है जमा करके जो है जला देना चाहिए। इससे जो है निश्चित रूप से उन लोगों को लाभ मिलेगा। तैयार मूंगफली के दानों को हाथों द्वारा छिलकों से अलग करना मशक्कत भरा काम नहीं, परंतु इसमें काफी समय लगता है। इस कार्य को आसानी से और कम समय में करने के लिए कृषक ग्राउंड नट डिकोडिकेटर नामक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस यंत्र को ग्राउंड नट डिकोडिकेटर कहते हैं। इसकी सहायता से मूंगफली के दानों को
छिलकों से आसानी से अलग किया जा सकता है। इस उपकरण द्वारा एक दिन में लगभग 2.5 से 3 क्विंटल मूंगफली के दानों को छिलकों से अलग किया जा सकता है। इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। कृषि समाचार में अब आइए मिलते हैं सफल किसान से और जानते हैं उनके बेहतर कृषि जीवन के बारे में। आज किसान जो है अपनी धंधा छोड़ करके दूसरी ओर अग्रसारित हो रहा है, लेकिन हम जैसे शिक्षित लोग भी आज कृषि की ओर अपार संभावनाएं दिख रहा है हमें। और यदि सुविधाएं जो कुछ अभी हमारे पास है, अगर वो सही मायने में हमको अगर मिला तो निश्चित रूप से जो संभावनाएं हैं उसमें हम लोग खरा उतर पाएंगे। जो सिंचाई की हमारे क्षेत्र में थोड़ी कमी है, लेकिन जो एक नया ड्रिप सिंचाई आया है उसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं और उससे अच्छी आलू की फसल हुई है, मटर भी लगाए हुए हैं, मटर में भी अच्छा उत्पादन है। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की खाद्यान्न मंडियों में पिछले कुछ समय से चली आ रही तेजी में थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है। मूल्यविदों के अनुसार तिलहनी और दलहनी अनाजों के भाव में नरमी संभव है। उधर सब्जी मंडियों में भावों को लेकर स्थिरता बनी हुई है। वहीं आज बिके कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 1,400 रुपए से लेकर अधिकतम 2,200 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2,100 रुपए से लेकर अधिकतम 2,600 रुपए। गेहूँ न्यूनतम 1,500 रुपए से लेकर अधिकतम 1,700 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5,400 रुपए से लेकर अधिकतम 6,900 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4,400 रुपए से लेकर अधिकतम 5,500 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3,400 रुपए से लेकर अधिकतम 4,500 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 8,200 रुपए से लेकर अधिकतम 9,400 रुपए। आलू न्यूनतम 750 रुपए से लेकर अधिकतम 1,000 रुपए। और प्याज न्यूनतम 1,600 रुपए से लेकर अधिकतम 1,900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हाँ, तो खबरें खेती के अंतर्गत आपने देखा मंडी भाव, जाना मौसम का हाल और कृषि की नई नई तकनीकों की जानकारी ली। हमारे पास और भी खास खास खबर है, लेकिन हो चला है समय एक छोटे से विराम का। तब तक आप देखिए ये संदेश और हम देखते हैं उन लोगों की राह। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हमारे पास किसान भाई बहनों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, लेकिन जानकारी किसके बारे में है हमको भी पता नहीं है। अरे एक कन्हा, अरे किशन दा। हाँ, अरे वो जानकारी का हाँ
हम किसान भाई बहन मन के बताए दे बतियो। हाँ, जरूर। तो किसान भाई बहन मन सबसे पहले रोरे मन के जोहार। और जानकारी ई है कि मटर में लगे वाला रोग और उकर प्रबंधन कर बारे में है। वाह किसान दा, वाह बचा लिए। लेकिन और जिसकी जानकारी दे रहे हैं श्री सुरेंद्र यादव जी और जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार सिंह। हाँ, दलहनी फसल में मटर का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम वैज्ञानिक तकनीक और उन्नत प्रभेद की जानकारी रखकर खेती करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा अपने फसल से मुनाफा प्राप्त होता है। सावधानी न अपनाने पर बहुत सारी रोग व्याधियां हमारे फसलों को बर्बाद कर देते हैं। आमतौर पर मटर के पौधों में बहुत सारे कीट लगते हैं जिनमें फली भेदक कीट और माहू कीट मुख्य रूप से हैं। फली भेदक कीट फसलों के फल में अंदर जाकर अंदर अंदर ही हमारे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर समय पर उपचार ना किया गया तो हमारे मटर के उत्पादन क्षमता में भारी गिरावट होती है। इस कीट से बचने के लिए रासायनिक कीटनाशक नुवान या इंडोसल्फान का 2 ml प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर फसलों पर जल्द से जल्द छिड़काव करना बेहतर होता है। प्रमुख कीट है फली भेदक। तो इसका इस कीट की सुड़ी फल के अंदर छेदा करके घुस जाती है और फल को खाकर नुकसान पहुंचाती है। तो इस कीट से बचने के लिए नुवान दवा का 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा ये इंडोसल्फान दवा हो तो उसका 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से इस कीट से बचा जा सकता है। इसके अलावा मटर के पत्तियों पर तथा तना पर काले रंग का मुलायम कीट का प्रकोप लगता है जो यह पत्तियों तथा तनों पर धीरे धीरे इसका रस चूसते हैं जिससे हमारे पौधे सूखने लगते हैं। किसानों को सलाह दी जाती है कि लक्षण दिखने पर कवकनाशी कार्बोफ्यूरान 3G 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेतों में छिड़काव करना चाहिए। पत्तियों पर सफेद दाग होना जिससे पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते हैं और जल्द ही सूख जाते हैं। इस रोग से बचने के लिए फ्यूराडान 3G या कार्बोफ्यूरान 3G 30 से 35 kg प्रति हेक्टेयर के दर से खेतों में छिड़काव लाभदायक होता है और हम अपने फसल को इस रोग से बचा लेते हैं। इसके अलावा एक कीट लगता है माहू। यह काले रंग का मुलायम कीट होता है। ये पौधे के पत्तियों तनों पर बैठकर उसके अंदर अपना मुख घुसाकर उसका रस चूस लेता है जिससे पौधों का आकार बिगड़ जाता है और पौधा पूरा सूख जाता है। तो इसके बचाव के लिए हम कार्बोफ्यूरान 3G नामक दवा का 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाकर छिड़काव करते हैं। इसके अलावा एक कीट है पत्ती के अंदर घुसकर सफ़ेद धागे जैसी रचना बनाती है जिससे पौधे अपना भोजन बनाने में असमर्थ हो जाते हैं और पौधे का विकास रुक जाता है। तो इस कीट से बचने के लिए फ्यूराडान 3G का 35 किलोग्राम मात्रा या फिर कार्बोफ्यूरान 3G का 30 से 35 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। अक्सर इन कीटों के अलावा मटर फसल में बड़े पैमाने पर रोग भी लगते हैं जिनमें डाउनी मिल्डू, पाउडरी मिल्डू, रस्ट और एस्कोकाइटा रोग प्रमुख हैं। जब पत्तियों पर पीले रंग का धब्बा बनता है और बाद में यह भूरा रंग का हो जाता है तथा धब्बों के नीचे रुई जैसी आकृति बन जाती है जो पेर्नोस्पोरा पाईसाई नामक कवक के कारण होता है जिसे हम डाउनी मिल्डू रोग कहते हैं। इस रोग से बचने के लिए रासायनिक कीटनाशक रिडोमिल MZ-72 या मैंकोजेब 2.5 kg प्रति 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर फसलों पर छिड़काव करना लाभदायक होता है। मटर की फसल में प्रमुख रूप से रोग लगते हैं डाउनी मिल्डू, पाउडरी मिल्डू, रस्ट और एस्कोकाइटा पत्ती एवं फली धब्बा। तो डाउनी मिल्ड्यू जो है वो पेर्नोस्पोरा पाईसाई नामक कवक के कारण होता है। इस रोग से ग्रसित पौधों की पत्तियों पर सर्वप्रथम पीले रंग के धब्बे बनते हैं, बाद में ये धब्बे भूरे रंग के हो जाते हैं और
धब्बों के ठीक नीचे रुई के जैसी आकृति के उभरे हुए कुछ कवक वृद्ध दिखाई देते हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए बीज का उपचार हमें करना चाहिए। बीज के उपचार के लिए बाविस्टीन नामक दवा का 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करते हैं। इसके अलावा एक दवा है एप्रान, एप्रान की 4 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम की बीज की दर से मिलाकर उपचारित करना चाहिए। यदि खेत में यह रोग दिखाई देता है तो एक कवकनाशी दवा जो है रीडोमिल MZ72 या मैंकोजेब का 2.5 किलोग्राम मात्रा 1000 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने से इस रोग से बचा जा सकता है। इसके अलावा अक्सर पौधों के हरे भाग में सफेद चूर्ण पाउडर नुमा धब्बा लगता है जो धीरे धीरे पौधे पर फैल जाता है और पौधे मर जाते हैं। यह रोग मुख्यतः सल्फर के कमी से होता है, अतः बीज बुआई से पहले या खेत में 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर सल्फर का छिड़काव करने से इस रोग से हम अपने फसल को बचा लेते हैं। इसमें पौधे के पत्तियों एवं तनों पर सफ़ेद चूर्ण के रूप में धब्बे बनते हैं जो अनुकूल वातावरण मिलने पर ये पूरे पौधे पर फैल जाते हैं और पौधा मर जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए सल्फर का चूर्ण 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं। मटर फसल की खेती में सिंचाई का भी बहुत महत्व है। आमतौर पर दलहनी फसलों में 2 या 3 सिंचाई पर्याप्त होता है। ज्यादा पानी की वजह से भी हमारे फसल सूख जाते हैं। इनके अलावा पत्तियों और तनों पर समूह में पीले रंग का गोल या लंबे आकार के धब्बे बनते हैं जो कि रस्ट रोग का लक्षण है। इस रोग से बचाव के लिए मैंकोजेब या रीडोमिल का 2.5 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से फसलों पर छिड़काव करना बेहतर होता है। मटर की खेती करने से पहले उन्नत प्रभेदों की जानकारी, बीजों का उपचार करना हमें इन रोगों से बचा सकता है जिससे हम कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा एक मटर में रोग लगता है रतुआ। प्रारंभ में पत्तियों पे पीले रंग के गोल या लंबे धब्बे समूहों में दिखाई देते हैं। इसके पश्चात पहले चूर्ण की तरह हल्के भूरे तथा बाद में भूरे रंग के हो जाते हैं। तो इस रोग से बचाव के लिए मैंकोजेब या रीडोमिल MZ72 नामक दवा का 2.5 किलोग्राम मात्रा 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। हाँ तो कन्हा। हाँ दादा। कैसे लागल उची जानकारी? हाँ दादा, ये जानकारी तो बहुत ही बढ़िया लगा। हाँ, ये जानकारी से किसान भाई बहन के बहुत लाभ होगी। काले की मटर में रोग, ऊपर प्रबंधन सब कर जानकारी होगी अलग। हाँ दादा। तो हमारे लेवा से विराम और अरे मन देखो ये संदेश। ये है श्रीमान भोलू भाई, ये है श्रीमान समझू भाई। भोलू भाई है बड़े ही भोले, समझू भाई है बड़े ही सुलझे। भोलू भाई ने सब्जी लगाया, समझू भाई ने भी सब्जी लगाया। भाई समझू। हाँ? तुम भी टमाटर लगाए और हम भी टमाटर लगाए। हाँ? तो क्या तुम्हारी और मेरी जमीन बराबर है, फिर तुम पैसा ज्यादा कैसे कमाए? अच्छा भाई भोलू, एक बात बताओ, तुम बीज टमाटर के कौन से लगाए? अरे वो बताओ बताओ। अरे जो मिला वही लगा दिए। यही तो बात है भोलू, अब जो भी बीज लगाने से काम नहीं चलेगा, उन्नत किस्म के बीज लगाओ और पैदावार बढ़ाओ। जी हाँ, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेकर सफल एवं अच्छी पैदावार के लिए उन्नत किस्म के बीज अपनाएं। हाँ रे कन्हैया, ये जानकारी पाके कैसे लागल से बताओ। अरे जानकारी तो किशन दा बहुत ही बढ़िया था, लेकिन थोड़ा देरी पहले बहुत खराब लग रहा था। और आप लोग जहाँ कहाँ गए थे? हम लोग बहुत ही खास जानकारी लेने के लिए गए थे। खास जानकारी? हाँ रे, और सुन, हमें नहीं आए किसान भाई बहन मन ले एक से अधिक फसल लेवे ले का उपाय करल जाए, कैसे करल जाए, उकर बारे में जानकारी लेवे जा रही है, बुझले। वाह, लेकिन हम इसकी और जानकारी लेंगे तो चलते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश कुमार जी के पास, और जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार सिंह। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज चावल अनुसंधान केंद्र हजारीबाग में, और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहीं की एक वैज्ञानिक डॉक्टर योगेश कुमार जी। ये हमें जानकारी देंगे कि एक से अधिक फसल, खासकर तक झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, किसान भाई सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर धान की खेती करते हैं और बाकी साल उनका बिल्कुल खेत खाली रह जाता है। एक से अधिक फसल हमारे किसान भाई कैसे लें कम पानी में, आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसा कि विषय है कि एक से अधिक फसल हमारे किसान भाई कैसे लें, तो इसकी सबसे मतलब जो पहली बात है उस क्या होनी चाहिए? ये बड़ी अच्छी आपने बात कही है, क्योंकि हम देखते हैं कि पूरे झारखंड में ज़्यादातर जो है लगभग 70-75% जो है किसान धान की फसल लेता है, और धान के बाद वो कोई भी फसल जो है लेने में असमर्थ रहता है, क्योंकि पानी की समस्या है। इसलिए मैं किसान भाइयों को यही सुझाव दूंगा कि वो कम पानी में भी एक से ज़्यादा फसल ले सकता है, जैसे कि दलहन की फसलें ले सकता है, उनका चुनाव कर सकता है, या तिलहन की फसलें। अब जहाँ तक बात आती है कि दलहन की कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं या उनकी कौन कौन सी किस्में हैं जो कम पानी में अधिक पैदावार दे सकती हैं, दलहन की फसलों की बात जहाँ तक है उसमें किसान भाई चना का उपयोग कर सकता है, मसूर का उपयोग कर सकता है और मटर का उपयोग कर सकता है। कहीं कहीं पर हमारे किसान भाई खेसारी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो चूँकि हमारी जो भूमि है झारखंड की, वो तीन प्रकार की भूमि है, ऊपरी भूमि, मध्यम भूमि और नीचे वाली भूमि, जिसको गढ़ा कहते हैं। ऊपर वाली भूमि को हम दौन तीन कहते हैं, बीच वाले को दौन दो, और नीचे वाली को, सबसे नीचे वाली भूमि को हम दौन एक कहते हैं। ऊपर वाली भूमि में किसान जो है मसूर और चना भी ले सकता है। मध्यम भूमि जो हमारी है उसमें जो है चना, मटर, इसका उपयोग कर सकता है। और नीचे वाली जो दौन एक है उसमें भी चना का, या जहाँ पर ज़्यादा दिन तक पानी रुकता है वहाँ पर कहीं कहीं किसान जो है गेहूँ का भी प्रयोग कर सकता है। अब अगर तिलहन की बात करते हैं, जो किसान भाई तिलहन की फसल लेना चाहते हैं, तो बहुत सारी जो तिलहन की फसलें हैं, जैसे सरसों है, उसका उपयोग कर सकते हैं दौन तीन और दौन दो में, स्पेशली वहाँ सरसों का उपयोग कर सकते हैं। और जैसे आप तीसी है, तो तीसी को जो है टाँड में या उसमें भी ऊपरी वाली भूमि जो है हमारी दौन तीन, उसमें उपयोग कर सकते हैं किसान भाई। अब बात आती है कि कौन कौन सी दलहन और तिलहन की कौन कौन सी ऐसी किस्में हैं जिनका उपयोग करके वो अधिक से अधिक जो है आमदनी प्राप्त कर सकें। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ दलहन में चने की, तो चने में बहुत सारी उपयुक्त किस्में हैं। जैसे देसी चना अगर किसान भाई लगाना चाहता है तो उसमें जो है KPG 59 है, या जिसको उदय के नाम से जानते हैं, इसका उपयोग कर सकता है। एक दूसरी किस्म है JG 14, जो जबलपुर से विकसित की गई किस्म है, इसका उपयोग कर सकते हैं। JG 14 जो है 105 से लेके 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है, जबकि KPG 59 जो है 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। तीसरी एक किस्म है जो जिसको कहते हैं KWR 108, इसका उपयोग कर सकते हैं। कभी कभी हो जाता है कि धान बहुत लेट से कटता है, देर में कटता है, तो किसान भाई वहाँ पर असमर्थ हो जाते हैं कि आप दूसरी फसल कैसे लें। तो ऐसी परिस्थिति में चने की बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जिनको देरी पर लगाने से किसान भाई अच्छी आमदनी पैदा कर सकते हैं, जैसे कि KPG 59, जैसे मैंने आपको बताया। दूसरी एक किस्म है BG 372, जिसको PUSA 372 के नाम से जानते हैं, और जो एक किस्म है JG 14, जो जबलपुर वाली किस्म है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारी किस्में हैं जिनको जो है किसान भाई अगर 10 दिसंबर तक भी लगाते हैं तो मैं समझता हूँ वो अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं मसूर की, तो मसूर की जो छोटे दाने वाली किस्म है KLS 218, उसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर बड़े दाने वाली किस्म का उपयोग करना चाहते हैं किसान भाई, तो K75, या जिसको मल्लिका मसूर कहते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। कभी कभी किसान भाई कहते हैं कि मध्यम दाने वाली मसूर अच्छी लगती है, तो उसमें जो है Full 57 का उपयोग कर सकते हैं किसान भाई। तो बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जिनका उपयोग करके वो दाल और दाल वाली बहुत सारी किस्में हैं जिनका उपयोग करके वो अच्छी आमदनी कर सकते हैं। अब जहाँ तक मटर की बात आई, मटर में अगर किसान भाई मटर की को अगर दाल के रूप में उपयोग करना चाहते हैं, DDR 23, जिसको पूसा प्रभात कहते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर सब्जी के लिए लेना है तो अर्किल का उपयोग कर सकते हैं, आज़ाद P1 का उपयोग कर सकते हैं, P6 का उपयोग कर सकते हैं, स्वर्ण नागेता का उपयोग कर सकते हैं, और या पूसा प्रगत, ये बहुत अच्छी किस्म है पूसा प्रगत, जिसको P1542 के नाम से जानते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं, जो कि 45 से 50 दिन में फली दे देता है, जिससे आप जो है किसान भाई
उसमें तोड़ के बाजार में अच्छी आमदनी ले सकते हैं। अब जहाँ तक सरसों की बात आई, सरसों में सबसे अच्छी किस्म जो है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से विकसित की गई किस्म है शिवानी, इसका उपयोग कर सकते हैं किसान भाई, बहुत अच्छी पैदावार देती है हमारे झारखंड में। अगर कहीं कहीं पे ऊपरी अगर भूमि में दोन तीन में जैसे हम बात करते हैं सरसों को भी ले सकते हैं, तो एक किस्म है जो IRI से विकसित की गई है जिसका नाम है NPJ 112, उसका उपयोग कर सकते हैं। वो किस्म जो है 100 से लेके 105 दिन में पककर तैयार हो जाती है, तो इन सभी किस्मों का उपयोग कर सकते हैं। जहाँ किसान भाई तोरिया का उपयोग करना चाहते हैं तो तोरिया में PT 303 का उपयोग कर सकते हैं। अगर तीसी की बात आती है तो T 397 की का उपयोग कर सकते हैं, शेखर किस्म है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारी फसलें हैं और उनकी बहुत सारी किस्में हैं जिनका उपयोग करके किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी ले सकते हैं और सारी भूमियों में। और जहाँ पर जहाँ बात आई है गेहूँ की, गेहूँ भी किसान भाई ले सकता है जिसके पास सिंचाई का साधन है और जहाँ पानी अधिक दिन तक रुकता है। जैसे गेहूँ को हम जनरली किसान जो है दोन एक में लेते हैं जिनको गढ़ा कहते हैं, वहाँ पर उसका उपयोग कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई जो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर कहा जाए तो यहाँ तिलहन में दो चीज़ों की महत्व है लेकिन वो करते नहीं हैं, ये इसकी वैज्ञानिक महत्ता आप बताएं। जैसे तीसी है जो कि यहाँ के किसान प्रायः देखा गया है कि तीसी को नहीं लगाते, साथ ही साथ सुरगुजा की भी खेती नहीं करते हैं, इनका वैज्ञानिक महत्व हमारे किसान भाइयों को बताएं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। बड़ी अच्छी आपने बात कही, जो तीसी और सरगुजा की जो बात है इसका मेडिसिनल उपयोग बहुत है। तो एक तो सबसे अच्छा है जैसे सरगुजा की जहाँ तक हम बात करते हैं कंटिजेंट क्रॉप है, बीच में जैसे कभी कभी हो जाता है कि धान लगाने में किसान असमर्थ हो जाता है, बारिश नहीं होती है और उसका खेत में बिचड़ा लगे लगे सूख जाता है, उस परिस्थिति में वो सरगुजा की खेती कर सकता है। सरगुजा बीच में अगस्त में लगा सकता है, लेट खरीफ जिसको कहते हैं। सरगुजा और एक दाल वाली भी फसल है जिसको कुल्ती कहते हैं, उसको भी लेट खरीफ में लगा सकता है, ये जल्दी वहाँ पर इसका उपयोग कर सकता है, मेडिसिनल इसकी वैल्यू बहुत है। दूसरा तीसी की बात आई, जब कभी कभी हम देखते हैं कि अपलैंड या टाँड में दूसरी फसलें जैसे दलहन और तिलहन नहीं ले सकता है, वहाँ पर तीसी का उपयोग कर सकता है। दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में बहुत सारे किसान जैसे चाईबासा, अगर हम वेस्ट सिंहभूम में या ईस्ट सिंहभूम में जाएँ तो किसान उसको तीसी को पैरा उटेरा खेती के रूप में भी लगाता है, मतलब धान कटने के 10 दिन पहले जो है तीसी को खेत में, धान के खेत में छिड़क देता है, उसके बाद जो है उसका उपयोग कर सकता है। इस तरीके से भी जो है इन सभी फसलों का उपयोग करके किसान अच्छी पैदावार ले सकता है और जो मेडिसिनल में भी काफ़ी इसकी महत्ता है। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी, एक ही विकल्प नहीं, इसके अलावे कई एक विकल्प खुले हुए हैं आपके लिए, धान के अलावे दलहन है, तिलहन है, इन सबों का आप लगा के ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और किसान भाइयों इसी के साथ लेते हैं विदा, जोहार। तो किसान भाई बहन आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आएंगे। हाँ दीदी और हाँ भाई, अखन काल उठाती बैठो है नहीं, कृषि संबंधी कोई भी जानकारी ले रोरीमन चिट्ठी लिख सकीला। पत्राचार करने के लिए हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा उप महानिदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, हमारा पिन संख्या है 834001। आजकल जानकारी तो किसान भाई बहन के बहुत मिललक और बेरा भी हो गया है ना। तो किसान भाई बहन आज के अंक में इतने, हमारे मन के देव इजाजत, जोहार।